हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल सेरिफर्स वर्ल्ड बेटर टुगेदर। आज मैं लेकर आई हूँ और एक हेल्दी फूड्स फॉर बेबी। आप 6 मंथ के बेबी अगर आपके पास है, आपके बेबी अगर 6 मंथ आप हो चुका है, तो ये फूड्स आपके लिए, आपके बेबी के लिए। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते आज का ये वीडियोस, ठीक है। इसमें ये इतना अच्छा एक हेल्दी फूड्स है कि आपका 6 मंथ बेबी का जो सॉलिड फर्स्ट सॉलिड है, उस हिसाब से इसको आप फर्स्ट यूज़ कर सकते हो। कैरेट ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मॉम यही कैरेट प्यूरी यूज़ करते हैं अपने बेबी के लिए, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, सबसे फास्ट डाइजेस्ट फूड ये है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं किस तरह से अपने बेबी के लिए ये इजी डाइजेस्ट फूड, हेल्दी फूड बनाई हूँ अपने घर पे, तो मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए सेरिफा वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, कॉमेंट करना भी मत भूलिएगा, एंड बने रहिए मेरे चैनल पर, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे वीडियो को पाने के लिए। फर्स्ट आप एक ऐसा कैरेट ले लीजिए, ठीक है। आपका बेबी को जितने क्वांटिटी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, थोड़ा चाहिए, ऐसे करके क्लियर करके अच्छे से इस कैरेट को ले लीजिए। लेके ये अच्छे से इसका पील आउट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा छीलना ले लीजिए और अच्छे से पील को आउट कर दीजिए, एक भी पील मत रहने दीजिए, ठीक है। तो फिर एक बार रहेगा ना तो बेबी डाइजेस्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं फटाफट पील आउट कर ले रही हूँ। अब देखिए पील आउट हो गया ना। अब मैं इसको बारीकी से कट 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 छोटा छोटा, जितना सा होगा, जितना छोटा करूँगा ना उतना जल्दी मेरा मतलब बॉइल्ड हो जाएगा। तो जितना चाहेंगे आप उतना ज़्यादा छोटा छोटा कट आउट करके पीस पीस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कट कर लेती हूँ फटाफट से, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हो गया ना। अब फटाफट मैं इसको जिसमें बॉईल करूँगी ना उसमें शिफ्ट कर लूँगी, लेके मैं ओवन में डाल दूँगी। मैं 5 से 10 मिनट वेट करूँगी इसको बॉईल करने में। चलो इसको ओवन में दे देती हूँ। मैं ऐसे करके उसको ओवन में दे दूँगी, ठीक है, और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको रख के मैं 5 से 10 मिनट के ऊपर इसको बॉईल करूँगी, जब तक अच्छे से बॉईल ना हो जाए, कुक ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो 5 मिनट बाद आते हैं। देखिए ये अच्छे से बॉइल्ड हो गया है, ठीक है, उबल रहा है। अब इसको मैं बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी कुछ मिनट तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो ठंडा होने के बाद आते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बेबी 6 मंथ है ना, तो मैंने एक कैरेट से ही किया। आप लोग ज़्यादा कर सकते हो आपके बेबी के फूड के अनुसार, ठीक है। तो इसको मैं शिफ्ट कर लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में, तो उसको अच्छे से ग्राइंड करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छे से शिफ्ट करके इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो चलो ग्राइंड करके आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से ग्राइंड करना हो गया, और जितना भी थोड़ा थोड़ा अगर दाना भी रहेगा तो उसको मैं फेंक दूँगी, और एकदम प्यूरी वाला उसको मैं देखिए ले लूँगी। देखो मैं ले लिया ना, एक बाउल में मैंने डाल लिया, अच्छे से जितनी क्वान्टिटी मेरे बेबी को चाहिए उतना मैंने ले लिया। अब इसको मुझे मेरे बेबी के हिसाब से उसको देना है, वो एक्सेप्ट करे तो पूरा वो ले लेगा, अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो थोड़ा 2 चम्मच दे दीजिएगा। पर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड्स है अपने बेबी के लिए, प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। कैरेट्स आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ अदर विटामिन। इसके अंदर इतना सारा विटामिन है, लाइक विटामिन के, विटामिन बी, ये सब हेल्प करता है ब्लड क्लॉट प्रॉपरली जो होता है ना अंदर, ब्लड सर्कल अच्छे से करता है। विटामिन सी, B6 जो कि अपने बेबी का हेयर, आई, स्किन हेल्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए कैरेट प्यूरी फर्स्ट सॉलिड हिसाब से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने 6 मंथ प्लस बेबी को, ठीक है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन है जो अपने बेबी को आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। एंड आप इसके साथ अपने ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क जो भी चाहे आप इसके साथ मिक्स करके आप बेबी को दे सकते हो, फॉर और भी टेस्टी एंड हेल्दी बनाने के लिए तो ऐड कर ही सकते हैं आप।
तो कंसिस्टेंसी हिसाब से आप लोग कीजिए, गाढ़ा पतला, जैसे आपको बेबी कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। इसके अंदर तो भरपूर मात्रा में है, ये बहुत ज़्यादा बेबी लोग मतलब पसंद भी करता है, और ये इजी डाइजेस्ट फूड मान के चलते हैं सब मॉम। तो आप लोग भी अपने बेबी को प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से एकदम सिंपल है, जो कि आप 5-10 मिनट के अंदर आपको रेडी हो जाएगा, और बेबी ये बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं, तो आपको वही टेंशन नहीं रहेगा कि बेबी क्या खाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और अभी तो विंटर है, विंटर के टाइम आपका ये कैरेट गाजर आसानी से मिल जाएगा आपका मार्केट पे। और सबसे बड़ी बात है कि कैरेट और गाजर जो भी है ये विंटर का ही फूड्स है, जो कि हम सबको आसानी से वो भी सस्ते में मिल जाता है, तो हम लोगों को कोई टेंशन की बात भी नहीं है, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि कैरेट का प्यूरी देने के लिए से है ना बेबी का स्किन, उसका हेयर, उसका आईज का इतना अच्छा हो जाता है ना कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, तो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा इतना ही था, अभी के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।